मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज AIMIM हेड ऑफिस दारुस्सलाम पर मुफ्त में सर्विस देने वाले दो एम्बुलेंस का इब्तिदा किया। इसमें शामिल MLA अहमद पाशा खादरी, हैदराबाद एक्स मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन व दीगर भी मौजूद थे। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे फिरोज खान की रिपोर्ट। दो एम्बुलेंस का इंतजाम किया गया है जो इंशाअल्लाह ताला दो महीने तक शहर हैदराबाद में उन तमाम पेशेंट्स को जिनको एम्बुलेंस की ज़रूरत है बिला मुआवजा उनके घर तक पहुंचेंगे और उनके जो अस्पताल है वहां तक पहुंचा देंगे। और इस ये 24 घंटे ये एम्बुलेंस काम करेगी और इस सिलसिले में जो मंजिल को इसमें खर्चा आ रहा है करीब एम्बुलेंस के 6,40,000 और 1,60,000 इसमें इसका PPE किट्स और मास्क, ऑक्सीजन सिलेंडर्स तकरीबन 8 लाख रुपये का अखराजात इन दो एम्बुलेंस के लिए आ रहा है दो महीने के लिए। और ये पूरे दो महीने के लिए इंशाअल्लाह ताला इसका नंबर भी दिया जाएगा, हलीम साहब इसकी ज़िम्मेदार रहेंगे और आपके घर तक पहुंचेंगे। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि इस एम्बुलेंस सर्विस से इस्तेफादा हासिल करिए और फ़ोन करिए और आप जिस अस्पताल को जाना चाहते हैं वहाँ तक ये एम्बुलेंस आपको ले जाकर उस अस्पताल में पहुँचाएगी। और साथ ही साथ ये बात ज़रूरी मैं बताना समझता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मजलिस चैरिटेबल एजुकेटेड रिलीज ट्रस्ट की तरफ से पिछले महीने 19,60,000 के सैनिटाइजर्स मुख्तलिफ मजहबी मुकामात इबादत गाहों को दिए गए। उससे पहले अप्रैल के महीने में 15 लाख की लागत के 2,818 आशा वर्कर्स में शहर हैदराबाद के और आंगनवाड़ी वर्कर्स में PPE किट और सैनिटाइजर्स दिए गए हैं। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि इससे इस्तेफादा हासिल करिए इन एम्बुलेंस से। हमारा मकसद एक ही है कि आवाम की जान को बचाया जाए और आपको सही वक्त पर आप अस्पताल को पहुंच सके, यही ये चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम।